हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकल वाला। मैं हूँ प्रसाद। गाइस, आज मारकंडी बीच पे आ चुका हूँ मैं नया क्लाइमेट के अनुसार। तो आज मैं कुछ एडवांसर दिखाने वाला हूँ जो कि सूखा मछली यहाँ पर बहुत सारी सूखा गया है। इधर देख सकते हैं कितनी अनलिमिटेड मछलियाँ हैं, लाखों लाखों पड़े हैं यहाँ पे। तो एक मछली दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना सूखी गई है। इसको बेचते रहते हैं बहुत सारे घरों में, देखता रहता हूँ कि कितना कितना घरों में इसको खाते हैं। हम लोग तो नहीं खाते हैं बिल्कुल ही। तो और भी मछली हैं, आपको और भी दिखाता हूँ चलिए, क्योंकि ये मछली जो है इंसान भी खाते हैं और बड़े बड़े मछलियों को पकड़ने के लिए इसको दाना जैसे इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत अच्छा है ना। जो यहाँ पे मछलियाँ हैं इंसान भी नहीं खाते, वहाँ पे कुत्ते भी खाते हैं। यहाँ पे बिल्लियों को कुत्ते को छोड़ दोगे तो और बढ़िया रहेगा, उनका भरपूर खाना यहाँ पे मिल जाता है, अनलिमिटेड है यहाँ पे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से खा रहा है बच्चा, तो फुल हैप्पी है वो जिंदगी में, उसको और क्या चाहिए इससे भी ज्यादा। इस टाइप का मछली, सूखा मछली को आप खाते हो तो प्लीज कमेंट करिए, तो अपनी चैनल को फॉलो भी कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो हम चलेंगे बीच की ओर, तो ऊपर से इस लोकेशन को विजिट करने वाले हैं अच्छे करके। तो हमारे जो गंजाम में यहाँ पे मारकंडी बीच है जो ब्यूटीफुल है, जैसे गोपालपुर से भी बहुत सुंदर है, थोड़ी सी बहुत डेवलपमेंट नहीं है, नहीं तो और भी बेहतरीन रहता ये फिर। ये कितना खूबसूरत जगह है। उस टाइम में जमाने में बहुत सारे लोग फिशमैन बैठ के जो कि मछली पकड़ने की जो जाला होती है उसको बनाते होंगे, तो इसी टाइम पे भी हम लोग जिस टाइम पे गए थे सेम फीलिंग, ऐसे ही बात करते करते बूढ़े लोग या यंग लोग ऐसे बनाते रहे। मेरे को तो ये देख के नज़ारा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के आप कुछ काम करते हैं ना, उसका टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह यहाँ पे चलता है इस मारकंडी बीच पे। तो बहुत ब्यूटीफुल था यहाँ का लोकेशन। आप कभी भी गए होंगे तो प्लीज़ कमिट करिए इस लोकेशन पर विजिट किए हो क्या। तो हम लोग वहाँ से हम थोड़ी आगे की ओर निकल पड़े, क्योंकि वहाँ पे आगे की ओर मछली पकड़ रहे थे इसी जगह से, तो और भी बोट्स वहाँ से आ रहे थे हमारे सामने से। मैं सोचा कि हम वहाँ से मतलब समुंदर के अंदर से फिश आ रहा है करके, तो हम उनको देखने के लिए आगे की ओर जाना पड़ेगा करके हम लोग निकल पड़े बीच की ओर। तो वहाँ से सनसेट मतलब डाउन होते जा रहा है सन, तो और हम लोग यहाँ पे चल गए आगे की ओर तो देखने चले, क्योंकि यहाँ पे तो छोटा सा जाला डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा नदी और समुंदर मिलावट है, यहाँ से नदी की ओर पानी जाता बेहतर रहेगा। तो यहाँ का बीच में इन लोग मतलब जाले का डाले थे कि वो मछली निकालें, तो एक भी मछली इनको नहीं मिला। अच्छा हुआ भगवान से, क्योंकि इतनी मछलियों को मार के खा लेते हैं तो मैं बहुत मतलब नाराज़ होता हूँ इतना मछलियों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम लोग आगे की ओर चले गए। यहाँ पे थोड़ा सा हरियाला जगह मिला जो कि इसको बकरियों को यहाँ पे रखा जाता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो। तो मैं बहुत सारे बीचेस घुमा था बट ये थोड़ा अलग टाइप का लगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक जानवर भी है और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग आगे की ओर निकल पड़े। यहाँ का जो प्लेस था पूरा फूलों से, पिंक फूल थे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। ये फूल का नाम तो मुझे पता नहीं है, जो बकरियाँ हैं यहाँ पे, या मतलब ये लोकेशन देख के तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, एक नंबर लगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा दो तीन रील बना दिया इंस्टाग्राम के लिए, तो आपको भी मेरा इंस्टाग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी रील्स बनाना हो या कुछ ब्लॉग निकालने हो तो यहाँ पर ज़रूर आइए, अच्छा ब्लॉग निकाले पाएंगे। और यहाँ का लोकेशन तो बहुत बढ़िया भाई, मेरे को पूछोगे तो मैं बहुत सारे गोपालपुर में भी गया हूँ, अलीपुर बीच और बहुत सारे जगहों पे बीच में विजिट किया हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का लगा। तो हम लोग थोड़ा सा हाइट जगह पे गए थे, क्योंकि यहाँ से नज़ारा बहुत बढ़िया है देखने के लिए, यहाँ पर बहुत खूबसूरत प्लेसेस है। यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे, ऊपर से पूरा व्यू दिखाऊँगा आपको। तो यहाँ से जो पहाड़ जैसा ये ज़मीन बना है, मतलब रेत से बना है, बहुत हाइट है यहाँ से, मतलब मिनिमम 40 फीट का लगता है, 40 नहीं 50-60 फीट का है ये। तो बहुत हाइटेड लगा हमको, तो चढ़ने में तो पानी निकल गया, तो मेहनत से हम लोग इसके ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश किए इसके ऊपर, तो फाइनली हम लोग रीच द लोकेशन। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आराम ले लिया ऊपर से, क्योंकि सीधा जो मतलब पहाड़ जैसे रहता है उस पर ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। तो और भी कैमरामैन तो आ नहीं पा रहा ऊपर से, तो मैंने नीचे उतर गया फिर उसको क्यों इतना दिक्कत उठाएंगे करके। तो हम लोग और एक लोकेशन पे गए, वहाँ पे बहुत सारे कांटे के
मतलब पेड़ थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बस ऊपर से देखे तो उसको देखने को मिला, तो हम लोग उसके ऊपर भागते भागते गया, तो भागते भागते हम लोग पूरा पानी निकल गया, तो हम लोग धीरे से जाना पड़ा। तो देख सकते कितने सारे मतलब कांटे के पेड़ है, उसके बीच में हम लोग बैठे हैं, कितना खूबसूरत जगह है। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ी बहुत एंजॉय कर लिए उस लोकेशन पे, और हम पेड़ है इनको देखने के लिए हम लोग इतना ऊपर आना पड़ा, और यहाँ का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है।